आजर मैच को नहीं समस्त मध्य से क्रेज रही है। आजर मैच केमती होची एवं विशेषकर इंडिया प्लेयर को ऊपर नजर रही, टीम मैनेजमेंट केमती होची एवं विशेषकर आजर मैच केमती प्रदर्शन करुची टीम इंडिया, जेतु घर माटी रे आज मैच खेलिबा को जाउची टीम इंडिया। अधिक आलोचना करबा, अधिक चर्चा करबा क्रिकेट को नहीं। आम सहित स्टूडियो आसी उपस्थित अछंती पार्थसारथी राय, जने अभिनेता, आपण समस्ते तांको जानती बेस भल भाव रे। पार्थ, स्वागत करुची आपनको आलोचना को। तो आपण जानिछंती जे समस्तक मध्य आज क्रिकेट को नहीं भाई, आपण देखिथिबे जेतेबे टिकट बिक्री होतला पूरा बाड़िया पिटा आइजैतले समस्ते, जे समस्ते स्टैम्पीड हे। एक्जेक्टली, हां। तो आपण कोन कहबे जे आपनको भीतर केते क्रेज भरी रही छे? अफकोर्स रही छुआबू तो क्रिकेट खेली, मुझे क्लब लेवल खेली, एबे ओडिशा रणजी टीम रे मोर सान भाई खेलुची अभिषेक राउत। तो क्रिकेट क्रेज तो सब घर रही। मो बापा भी क्रिकेटर थिले, से डिस्ट्रिक्ट लेवल खेली थिले। तो अफकोर्स एक्साइटमेंट अच्छे एंड जो भाया टिकेट बिक्री टाइम रे जो भाया भिड़ देखिकी मत लगुच लोक पूरा पागल। आते वर्ष पर 4 वर्ष पर आज ओडिशा रे मैच होउची, तो आई एम श्योर समस्त एक्साइटेड अछंती। ओके पार्थ, आपनकर की फेवरेट क्रिकेट टीम रे? देखो सब बड़े सेटा चेंज होता है। हाँ। तो देर आर फ्यू फेवरेट्स इन द इंडियन टीम। एबे प्रेजेंट टीम रे रिसेंट फॉर्म देखा गले हार्दिक पांड्या बहुत भल खेली आईपीएल एंड ऑफ कोर्स दिनेश कार्तिक। आई एम रियली इंस्पायर्ड, मतलब एमती स्टोरीज बहुत इंस्पायर करे। दिनेश कार्तिक 36 इयर्स एज रे एत वर्ष पर गोटे कम बैक करुँचे एंड जो कहते पूरा प्योर परफॉर्मेंस दम रे मेरीट रे कम बैक कले। ओके पार्थ, जो आपण जो क्रेज कथा कहते आज स्टाडियम रे ये जो क्रेज रही आमर जो ओडिया दर्शकों विशेषकर आज बाराबाटी जेतु मैच रही कौन लगुच ये केते प्लस पॉइंट हम इंडिया टीम पाई जो माहौल कहीं गोटे बड़ एनकरेजमेंट मिले से जो माहौल को देखिकी? डेफिनेटली सेटा तो हुए। बाराबाटी स्टेडियम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन द कंट्री। मु इंडिया रे 4-5 स्टेडियम्स मैच देखी एंड आई थिंक बाराबाटी इज वन ऑफ द बेस्ट। तार जो माने ग्रीनिश पिच अच्छी पूरा माने आउटफील्ड भी अच्छी एते सुंदर माने जेतु फर्टाइल लैंड बाराबाटी कटक स्टेडियम कटक रो। तो सेतपेंगा माने विकेट भी हमर बहुत बढ़िया अछि एंड टोटल ओवरऑल माने स्टेडियम जो तो ग्राउंड भी बहुत सुंदर अछि, सेटा वेल मेंटेन। पर तो देखंतु जदी आपण देखिबे पूर्वरो जति कि मैच खेला जाय छि बाराबाटी रे एबो आज रो मैच केते गुरुत्व रखुछि काहे कि ना देखंतु पूरा नव कलेबर करा जाय छि कह गले। आपण आउटफील्ड कथा देखंतु, पिच कथा देखंतु एवं एलईडी लाइट जो व्यवस्था करा जाय छि विशेष कर फ्लड लाइट को चेंज करा जाय छि जे ये खिलाड़ी को पाई केते सुविधाजनक हबो फील्ड को? देखो सेटा तो सब पर कथा। जब रिसेंट फॉर्म देखा साउथ आफ्रिका भी बहुत भल फॉर्म रे अच्छी, तो मत लगुनि कि खाली होम एडवांटेज सब बहुत बड़ जिनस हम। बाराबाटी स्टेडियम बेसिकली टिके स्टार्टिंग ग्रीनिश विकेट जेहेतु थाए टिके फास्ट बोलर्स को सुहाए सब बेले। तो साउथ आफ्रिकार फास्ट बोलर्स जेहेतु इंडिया ठू बेसी भल अच्छा। तो इंडिया भी है भुवनेश्वर कुमार द बेस्ट फास्ट बोलर इन T20 क्रिकेट राइट नाउ, बट भी बहुत भल भल बोलर्स अच्छा रबाडा नोकिया। तो बहुत सुंदर माने बहुत जेन्युइन फास्ट बॉलर्स ताकू से एडवांटेज हो पारे। तो इंडिया टीम हैज टू प्ले रियली वेल। नो डाउट कि इंडिया टीम भल खेले, किंतु पार्थ दिल्ली मैच गोटे जिते दिल्ली मैच रे इंडिया टीम पराजयर शिकार है, तेणु कोट ना कोटी गोटे नर्वसनेस आसीजा स्वाभाविक जे कौन हम आज मैच जदि आज मैच भारत जितुची कि हारुची ता तो समय कहब, किंतु आज मैच केते गुरुत्व रखुची सीरीज हातेबा पाई? डेफिनेटली एटा गोटे कॉन्फिडेंस बूस्टर हम। जदि साउथ आफ्रिका 2टा मैच लगातार जीति जाउची तो सेटा कोठी ना कोठी गोटे मनोबल कम करिवो इंडियन टीम रो। फर्स्ट मैच रे भी एते सुंदर बैटिंग करी 200 ऊपर रन करके जदि चेस कर दोची साउथ आफ्रिका, डेफिनेटली बॉलर्स कर कॉन्फिडेंस कोठी ना कोठी टिके तो डाउन थिबो। तो आज मैच रे तुम कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करिवा को पड़िबो, नहले बहुत टफ हे जो कंपटीशन दा फेरे। ओके तबे पार्थ गोटे कथा देखंतु जो दिल्ली मैच एवं जदि आज रो मैच देखिबे जे कोन लागुची कोन एम्ति लाकुना रहि गला दिल्ली मैच भारत हरैला एवं माने जो लाकुना रही गला आज केमती सेटा पुनरावृत्ति न होबो को लागु कोन कोठी कमी रही गला काहे कि हारिला भारत? अगेन आई थिंक बॉलिंग रे ही थिला बिकॉज़ 212 चेज करे देते सहज जिंस न बैटिंग टीम सेमती भी तंगर मनोबल डाउन हे जो यदि फर्स्ट बैटिंग रे के 200 ऊपर रन कर छ T20 मैच रे। तांकर बैट्समैन डेफिनेटली बहुत फॉर्म रे थिले। डेविड मिलर तो जानि छन एथरा आईपीएल ले वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थिले, बहुत बढ़िया फॉर्म रे अछन दिसे, सेही मारी के लास्ट को जीते भी देले। तो सेटा गोटे मैटर कर। तो आई थिंक बोलर्स कोठी ना कोठी लास्ट मैच रे टिके डाउन थिले। फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या से आईपीएल एते सुंदर बोलिंग करथिले कि एक्सपेक्ट करथिले से गोटे ओवर 18 रन देबे बोली। तो सेटा गोटे माइनस पॉइंट होगा से गोटे कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा टीम पर जो गोटे आप मेजर बोलर गोटे जब खराब परफॉर्म कर दिए तो सेटा बैटिंग टीम को अपोजिट टीम को टिके बेसी कॉन्फिडेंस दे दिए। गोटे कैप्टेनशिप भी गोटे बड़ गुरु दायित्व बहन कै कैप्टेनशिप रे किछि कमी रहीगला कि कहीं जो बैटिंग एवं बोलिंग कथा आपन कहते बोलिंग रे टिके कमी रहीगला जे काहा को आगो पठेबार थिला कहीं भुवनेश्वर कुमार को कथा कहते आम चहल को कथा जानते स्पिनर हिसाब से तो कोटी कैप्टेनशिप रे कोटी किछि कमी रहीगला बोली भाबुछंती कि डेफिनेटली एटा मो पर्सनल ओपिनियन तो अन्य मानकर कोन किछि थाई पारे मु एबे भी भाबुछि ऋषभ पंत गोटे बढ़िया प्लेयर बट कैप्टेनशिप एक्यूमेन नाही तांकर मु दिल्ली मैचेस वगैरह भी देखी जेतल तांको कैप्टेनशिप दिया आइतला से लीड करतले एते बढ़िया टीम ते थाई कि भी जेमती परफॉर्म करिया कथा सही लेवल परफॉर्म करि पालाने तांको टीम तो मते कोठी ना कोठी लागो छी कि ऋषभ पंत कर से एक्यूमेंट नाही होटे श्रूड कैप्टन आउ से जो कामनेस ता जोडा दरकार जेमती धोनी कर थिला आईपीएल अपन हार्दिक पांड्या कर देखिथिबे पूरा काम थिले से थ्रू आउट कोठी तांको अग्रेसिव होबार मु देखिनी कि माने पैनिक हेबार देखिनी मु तो सेटा गोटे दरकार गोटे कैप्टन गोटे इट्स अ वेरी माने गोटे जो बिग एडवांटेज की प्लस पॉइंट गोटे कहीपर गोटे प्लेयर रो